Hey everyone, dear YouTube family, how are you all? Hopefully, आप सब अच्छे से होंगे. Welcome back once again to all of you with another important video topic, which is very important to discuss. इस वीडियो में specially हम बात करेंगे जो आपकी general instructions रहेगी, जो JK BOPI की तरफ से आपका online content schedule निकाला गया है for the BSc Nursing, BSc Paramedical and the BSc Technological Courses Session 2022 के लिए. यहाँ पर आपकी कुछ instructions आपको बताई गई है. इन instructions को आप JK BOPI की official website पर जाकर जो BSc Nursing, Paramedical इन टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज का ई ब्रोचर है, वहाँ पर उसको डाउनलोड करके भी आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं. अपने लेवल पर, अपने अकॉर्डिंग आप इसको खुद से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉपरली समझ नहीं आता या थोड़ी बहुत उनको डिफिकल्टी होती इन चीजों को समझने के लिए. तो ऐसी ही कंफ्यूजन्स एंड क्वेरीज को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इन चीजों को ही कवर करेंगे. यहाँ पर आपकी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस रहेगी, दो चीजें होती है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद आती है कुछ टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस. टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस will be another part. यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जनरल instructions को ही फोकस करेंगे. पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक पॉइंट को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि कैंडिडेट्स को बताया जाता है कि आप सभी instructions को, चाहे वो जनरल instructions हो या टेक्निकल instructions हो, वो सारी instructions को पढ़े, अच्छे से समझे, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट करें अपनी काउंसलिंग में. सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि BOPI उन्हीं कैंडिडेट्स की प्रेफरेंसेस करवाएगा जिन्होंने एंट्रेंस को क्वालिफाई किया है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम है. जैसे कि आपकी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी बताया गया है कि जिनके मार्क्स जो है 30 पॉइंट्स तक आएंगे वो सभी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे. थर्ड पॉइंट में है कि जितने भी कैंडिडेट से ये प्रेफरेंसेस ली जाती है, इस वजह से एक कैंडिडेट एनेबल हो जाता है कि वो जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से, या फिर जो भी उसका डिसिप्लिन है, जैसे 3 डिसिप्लिन आर देयर, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज, इनमें एडमिशन लेने के लिए वो एलिजिबल होता है एक पर्टिकुलर कॉलेज में एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए. फोर्थ पॉइंट में है कि कैंडिडेट्स को क्या होगा कि सबसे पहले, जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब BOPI के लिए अप्लाई किया था, वहां पर सबसे पहले आपको क्या मैंडेटरी था, आपको एक लॉगिन आईडी बनानी थी, यानी कि फॉर्म फिल करने के लिए आपकी एक लॉगिन आईडी बनी, यूजर नेम था वो, और उसके साथ साथ उसका पासवर्ड जनरेट किया, जिसकी वजह से आप रजिस्टर हो गए BOPI के अंदर. आपकी एक लॉगिन आईडी बनी और उसी आईडी से आपने फिर फॉर्म फिल किया था बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजिकल कोर्स के लिए. सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी प्रेफरेंसेस में एक लॉगिन आईडी आपकी बनेगी, आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो आपकी लॉगिन आईडी बाद में यूज होगी साइन अप करने के लिए, प्रेफरेंसेस देने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए. और इन सारी चीजों को हैसल फ्री, बहुत आसान तरीके से करने के लिए BOPI की तरफ से आपको एक जो दिया जाएगा, एक रिहर्सल टाइप, यू नो, डमी एक्सरसाइज करवाई जाएगी, जिसमें आपको सारा कुछ एक बार में आपको समझ में आएगा. एक तरीका रिहर्सल, यानी कि प्रैक्टिस होगी, और हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई, उसकी लिंक BOPI की तरफ से कल, यानी कि 29 ऑफ सेप्टेम्बर को ही रिलीज कर दी जाएगी. उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, आपको क्या रखना, अपने साथ में एक पेज आप रखेंगे, उस पे आप पहले से ही अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर और आपका स्कोर कितना है और आपकी क्या रैंक है, ये चार चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनको आपको साथ में ही रखना है ताकि आप अपने प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग को हैसल फ्री कंप्लीट करें. अब इस डमी एक्सरसाइज का मोटिव क्या है, ये सिर्फ इसलिए आपको दी जाएगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको प्रेफरेंसेस देनी है और अपनी प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग को किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है. तो आप अपनी डिटेल्स को तब तक रेडी रखें. एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. आप सभी कैंडिडेट्स को करना क्या है, आपकी जो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड प्रेफरेंसेस है, आपको सबसे पहले वो प्रेफरेंस देनी अलोंग विद द कॉलेजेस. मोस्ट प्रेफर्ड प्रेफरेंस मतलब, देखिए, आपके पास 3 कोर्स है, बीएससी नर्सिंग है, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज. अगर आपको सबसे पहली प्रेफरेंस है कि नहीं, आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो आप सबसे पहले बीएससी नर्सिंग कोर्स को ही चूज करेंगे, उसके बाद उसकी ही प्रेफरेंसेस देंगे कॉलेज वाइज. एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि अगर बीएससी नर्सिंग में नहीं आया, वहां पे कुछ भी इशू है, तो सेकंड नंबर पे मैं बीएससी टेक्नोलॉजी या बीएससी पैरामेडिकल को चूज करूंगा, तो सेकंड नंबर पर आप बीएससी पैरामेडिकल देंगे, उसके बाद थर्ड नंबर पर आप बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्स देंगे. लेकिन ये सारी चीजें आपको सेपरेटली कर लीजिए. मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स चूज किया, तो वहां पर आपको उसको सिलेक्ट करना है, फिर उसकी ही जितनी भी आपसे प्रेफरेंसेस पूछी जाए. जब पिछले साल ऑफलाइन कोर्सिंग हुई थी, उस दौरान क्या थे आपके पास, 20 प्रेफरेंसेस पूछे जाते हैं 20 कॉलेजेस की. लेकिन इस बार कुछ और कॉलेजेस ऐड हुए, तो हो सकता है 20 से अबो हो, 25 कॉलेजेस हो या फिर 20 ही हो. ये आपको जब आप ऑनलाइन साइट पर जाएंगे उसी टाइम पर आपको पता चल जाएगा. तो वहां पर आपको बीएससी नर्सिंग आपने चूज किया, उसकी जितनी भी प्रेफरेंसेस पूछी जाएगी कॉलेजेस की, वो आपको देनी है. फिर अगर आपने दूसरे ऑप्शन में चूज किया बीएससी पैरामेडिकल को, उसकी आपको अलग से वन बाय वन जितनी भी वहां पर 20, 21 व्हाटएवर वो प्रेफरेंसेस देनी है. उसी तरीके से फाइनली आपको फिर बीएससी टेक्नोलॉजिकल कोर्स की भी प्रेफरेंसेस देनी है. बट ये उनके लिए है कि जो तीनों में आप प्रेफरेंसेस देना चाहते हैं, तीनों कोर्सेस में जो देना चाहते हैं. लेकिन अब जिसका बिल्कुल क्लियर पॉइंट है कि मुझे एक ही कोर्स के लिए प्रेफरेंस देनी है, चाहे वो बीएससी नर्सिंग
नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल हो या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स हो, तो वो सिर्फ उसी कोर्स को चूज करेगा और उसकी जितनी भी प्रोसेस पूरी जाएगी वो उन्हीं को फिल करेगा। प्रेफरेंसेस आपके लिए तब तक अवेलेबल रहेगी जब तक आप पूरी सारी प्रेफरेंसेस नहीं देंगे, और कोई भी कैंडिडेट हर एक को एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन कॉलेज के लिए एक एक प्रेफरेंसेस देनी ही देनी है, और अगर वो प्रेफरेंसेस नहीं देगा आगे वो फर्दर प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं कर पाएगा। उसके बाद आता है कि आप कैंडिडेट्स को क्या है कि जैसे ही आपने एक बार सारी प्रेफरेंसेस दे दी आप उनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें सबमिट नहीं करेंगे, लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने एक बार उनको फाइनल सबमिट कर दिया, लॉक कर दिया, उसके बाद आप उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप सारी प्रेफरेंसेस दे एक बार आप ओवरव्यू करें सारी चीजों का कि जो भी आपने लिखा है क्या आप उससे सेटिस्फाइड है, क्या जो भी प्रेफरेंस आपने दी है आपने वही देनी थी या फिर उसमें कोई चेंज करना है। अगर आपने उसमें कोई चेंज करना होगा तो वो आप उस टाइम पर कर सकते हैं, और जैसे ही आपने फी पेमेंट करी 1000 रुपीज उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंसेस को लॉक करेंगे। बिना फी के आपकी प्रेफरेंसेस लॉक नहीं होगी। एक बार आपका फी फाइनली सबमिट हो गया उसके बाद आपकी सभी प्रेफरेंसेस जो आपने दी फाइनल सबमिट करने के बाद वो लॉक हो जाएगी। बट इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक बार आप अच्छे से चेक करें उसके बाद ही आप उनको फाइनली सबमिट करें, क्योंकि अगर वो लॉक हो गई एक बार उसके बाद आप उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड फाइनली जब आपने सभी प्रेफरेंसेस को ऑनलाइन सबमिट कर दिया उसके बाद आपके लिए जरूरी होता है कि आप उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाले और अपनी फी रिसिप्ट का भी प्रिंट आउट निकाले और उस पे आप देखें कि फी रिफ्लेक्ट हो 1000 रुपीज ना कि 0.00। ये चीजें चेक करने वाली होती है। अगर आपका फी पेमेंट नहीं हुआ होगा तो आप काउंसलिंग के लिए, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के लिए ऑनलाइन प्रोसेस में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से ध्यान में चेक करना जरूरी है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, आपसे जल्द ही बात होगी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।